आज हम बनाने वाले दो रेसिपीज एक वीडियो में जो है मोहरम के स्पेशल फर्स्ट है रोट, ये हमने रोट और शरबत लिया है हमने और बनाना है सॉरी एक कप सोजी है ये। आपके पास अगर पतली ऐसी सोजी नहीं है तो आप मोटी सोजी भी ले सकते। हमारे पास छोटी पतली सोजी थी तो वो डाल दिया हम बारीक सोजी। आपको बड़े से ऐसे एक थाली लेना है, वो थाली में लेना है क्योंकि आपको मिक्स करना रहता है। अब ये है मैदा, नहीं एक कप गेहूं का आटा। तो ये रेसिपी है रोट की जो हैदराबादी रोट की हैदराबादी बहुत फेमस है। आप जरूर ट्राई करना और हमको कमेंट बिलो में बोलना प्लीज गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। आपको मालूम गाइस आज मैंने क्या किया घर पर? एक कप मैदा। अब हम ये डालेंगे बादाम को पीस लिया था हमने, सूखे बादाम को पीस कर अखरोट बादाम और अखरोट दोनों पीस कर ऐसे बना लिया। अब हम डालेंगे इसमें इलायची जो कि हमने पीस लिया था। देखो ऐसी लग रही है इलायची, इंटरप करने के लिए। अब हम डालेंगे सौंफ। सौंफ को आप पीस लेना और सौंफ को ऐसे लगना चाहिए, सौंफ ज्यादा नहीं बस थोड़ी क्वांटिटी में एक टेबल स्पून। दूसरी वो बाकी पूरा सौंफ शरबत में भी जा सकता है यूज के लिए। अब हम डालेंगे ये शक्कर है जिसको हमने बारीक सा पीस लिया है। हाँ, आपको नमक दिखेगा लेकिन वो शक्कर है। देखो इसको ऐसा लग रहा है पीसे बार, देखो मैं आपको पूरा जूम कर बता रही हूँ। हमने इसमें लगभग 200 ग्राम शक्कर डाला है। या हमने यहाँ पर अब हम इसमें एक पिंच सॉल्ट का भी डालेंगे। एक पिंच सॉल्ट डाल रहे हैं क्योंकि वो जो व्हाइट सॉल्ट है बस ज्यादा नमक हो जाता है ना, इसलिए देखो पिंच सॉल्ट बस वो भी डाल दो बस। देखा अब हम इसको पानी डालकर मिक्स कर देंगे। इसको चमचे से हमने पहले स्पेशल कर सोडा डाल दिया है और हम डालेंगे वेनिला एसेंस अच्छे फ्लेवर के लिए, अच्छे खुशबू के लिए, खुशबू और फ्लेवर दोनों के लिए बात चल रही है। ये हाफ कप घी है, देसी घी डाल दीजिए। फुल देखा आज मेरी नानी हेल्प कर रही है मुझको और मेरी मम्मी। मैं छोटी हूँ तो मैं अभी कुकिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ ना, इसलिए मैं सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ। मैं स्कूल से आकर मम्मी की हेल्प करती हूँ, आप एडिटिंग करती हूँ, आपकी आपके लिए हर चीज़ करती हूँ। एक बार प्लीज़ हमारे लिए कुछ सपोर्ट कर दो, आपके लिए बस थोड़ा काम है। रेड बटन जो है नीचे लें, कॉमेंट डाउन बिलो भी कर दो, लाइक शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो ना, इससे हम लोग को सपोर्ट मिलेगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे, मेरी नानी मिक्स करेगी तो वेट अ सेकंड। चलो अब हम इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड करेंगे। मैं आपको ये बोलना भूल गई, हमने गुड लाइफ का दूध को थोड़ी देर के लिए गर्म कर लिया था, ठंडा करके 2 लीटर था। अब हम डालेंगे कचरे में गुड लाइफ का दूध, रिचनेस इन एवरी सिप। सॉरी गाइस मैं मजाक कर रही थी, कचरे में से नहीं उठाए। चलो ठीक है, डालेंगे एक कप दूध फुल। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मेरे अम्मी इसको मिक्स करेंगे। आपको जूम करते हैं, देखा पतला रखना है आटे को, फिर वो नहीं पतला रखना है। जब आप मिक्स करेंगे तो आपको पतला लगेगा। पानी और दूध ज्यादा मत डालिए, पानी और दूध हरगिज मत डालिए, जो आपने डाला वही रखिए, फिर सोजी फूलकर अपने आप मोटी बन जाएगी, खट्टा और मोटी। जब आप क्रिस्प करोगे मैं आपको टेस्ट कर बताऊंगी तरीके से दिखा। भिगोने के बाद ये मिक्सचर को जिस तरीके से लग रहा है, और हम इसको आधे घंटे
के लिए ढाप कर रख देंगे, जो कि इससे सूजी मोटी होगी और खट्टी होगी। ठीक है, मिलते हैं आधे घंटे के बाद, जब तक हम शरबत की तैयारी करते हैं। आपको बाद में बोलेगी इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पर थोड़े से किशमिश ऐड किए हैं। देखिए हमारा आटा पहले कितना पतला था, अभी ये घट हो गया है अच्छे से। अब हम इससे कुछ इस तरीके से बना देंगे, छोटा बॉल लेकर। पतले के लिए तो सख्त होता है, इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा पतला करेंगे तो ये घट हो जाएगा, तो नॉर्मल साइज में रखिएगा। और जब तक हम पहले हमारे ओवन को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे बेकिंग ट्रे पे एक बेकिंग पेपर लेके उस पर ग्रीस कर दिया है थोड़े हल्के से घी के साथ। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन रहा है हमारे रोट। ठीक है, अब यहाँ पर होते हैं। आप इसे थोड़ा गैप देकर रखिएगा, ज़्यादा एक साथ नहीं रखना है क्योंकि ये फूलेंगे भी। और हम यहाँ हमारे ओवन को कितने टेम्परेचर पर रख रहे हैं, देखिए 180 डिग्री पर प्री हीट कर रहे हैं हम 20 मिनट के लिए। और रॉड दोनों ऊपर नीचे रॉड पे हम इसे प्री हीट कर देंगे। अब हम इसे एयर फ्रायर में भी करके दिखाएंगे आपको। एयर फ्रायर के जो बास्केट है, मैं बास्केट में मैंने यहाँ पर बेकिंग पेपर रख लिया है और उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। देखिए अब हम इस पर एक एक बादाम भी एज अ डेकोरेशन रख रहे हैं। आप इसे एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, एक बार हम आपको ओवन में भी और एयर फ्रायर में भी कर बता रहे हैं। तीन ही आएंगे बस। एक इधर, तो चलिए एयर फ्रायर में रखते हैं। मैं यहाँ पर टेम्परेचर रखूँगी 180 डिग्रीज पर और टाइम रखूँगी 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद हम एक बार फिर चेक कर लेंगे, चेक कर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ओवन प्री हीट हो गया है, तो चलिए अब हम इसे अंदर रख देते हैं। जब हमने ओवन को बेक करने रखे बाद, कैसे मैंने बोला था कि मैं आपको ज़रूर टेस्ट कर बताऊंगी। देखिए इसको तोड़ कर बताओ ना, उतना हार्ड नहीं है उतना सॉफ्ट नहीं है, बराबर है। हमने टॉपिंग के लिए ब्लैक करंट लिया था, अच्छा है पर टेस्ट। तो गाइस हमने बोला था कि हम शरबत बनाएंगे, तो ये है शरबत की रेसिपी। ये है 3 लीटर दूध गुड लाइफ का, और ये है भिगो के बादाम, भिगो हुए बादाम जो कि हमने ओवरनाइट को भिगो कर उसको छिलका निकाल कर स्किन निकाल कर रख लिया है। और ये है 3 ग्राम नहीं, ये 3 पाव शक्कर है जिसको हमने पीस लिया है। पीस लिया है, थोड़ी वो शक्कर कम पड़ गई थी इसलिए
ये सौंफ है जो कि हमने इसको बारीक पीस कर दूध में डालकर मिक्स कर लिया है। चलो चलते हैं शरबत की। और ये है, सॉरी मैं भूल गई, ये है थोड़ा सा बादाम जो कि हमने पीस लिया था। इस तरीके से लग रहा है पानी पानी, दूध में डालकर पीसा है। हर चीज में हमने सिर्फ दूध इस्तेमाल किया है, पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब पहले आप अब ये डाल दो बादाम। अच्छे से इसको मिक्स कर लो। बस इसमें थोड़ा रह जाता है ना, लग रहा है शक्कर थोड़ी चिपक गई थी। चलो मिक्स कर। ऐसा करिए आप, डालती जाइए, मैं मिक्स करूंगी। शक्कर को नीचे मत रहने दीजिएगा, अच्छा मिक्स करिए। शक्कर नीचे रह जाएगा तो शरबत अच्छा नहीं लगेगा। कंसिस्टेंटली बताती हूँ, कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें ये सौंफ का दूध डालेंगे, बट हम इसे स्ट्रेन करेंगे। रुको अलैना, इसमें डालो, छन्नी में डालकर स्ट्रेन करें। चाय को के साथ ये कटे हुए बादाम भी हम इसमें ऐड करते रहे। आप चाहे तो इसे ऊद का धुआं भी दे सकते हैं, हमने यहाँ पर नहीं दिया है। और हमारा मज़ेदार शरबत रेडी हो गया है।